والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے مل کے درود پاک پڑھیا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہلنا اثقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدًا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے
ये रिश्ता सब दुनियावी काम के रिश्तों से आला है। मुहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। दोनों जहां में मकसूद गर तुझको आराम है, तो उनका दामन थाम ले मुहम्मद जिनका नाम है। ली खमसतुन उत्फी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल्मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। है करम ये मुझ पे रब्बे जुल जलाल का, अदना साई को गुलाम हूँ मैं पीर से आल का। तेरे औसाफ हैं बावफा बाहया, दुख्तरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। दुख्तर कहते हैं बेटी को, और आज रमजान का पहला जुमा है, दूसरा रोज़ा है, और कल का तीसरा रोज़ा जो है ये यौम विसाल है। हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा मुस्तफ़ा करीम की लाडली साहबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु अन्हा, आपका कल यौम विसाल है, तो आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश करना है। हमारी ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान का पहला जुमा नसीब किया। तो आप जितने अहबाब बैठे हैं बड़ी तवज्जो से समात फरमाएं और मेरे साथ गुनगुनाएं। ये याद रखें, आले रसूल हों या अस्हाबी रसूल हों, ये इस चीज़ के मोहताज नहीं है कि हम इनका ज़िक्र करें। हम तो इनका ज़िक्र करके अपनी बख्शिश का सामान बनाते हैं। तेरे औसाफ हैं बावफा बाहया, दुख्तरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। मिलके पढ़िए, तेरे औसाफ हैं बावफा बाहया, दुख्तरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। तू है पाकीज़ा रब ने ये फरमा दिया, तू है पाकीज़ा रब ने ये फरमा दिया, दुख्तरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। तू है पाकीज़ा रब ने ये फरमा दिया, दुख्तरे मुस्तफा तेरी क्या बात। तू जिगर गोशाए सैयदुल अंबिया, जिनकी ज़ौजा है तू वो है मुश्किल कुशा। तू जिगर गोशाए सैयदुल अंबिया, जिनकी ज़ौजा है तू वो है मुश्किल को
पूछा जन्नती औरतों की तू है सरबरा। मेरे नबी ने फरमाया सैयदा तुने साया लिल जन्ना, जन्नती औरतों की तू है सरबरा। मिलके पढ़िए जन्नती औरतों की तू है सरबरा। दुख्तर मुस्तफा तेरी क्या बात है, तेरे औसाफ हैं बाब पाबा हया। दुख्तर मुस्तफा तेरी क्या। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व मनवालुहु व तम बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मख़फ़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरा दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन खातम नबीजीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हजरात गिरामी, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है और कल तीन रमज़ानुल मुबारक। हज़रत सैयदा मखदूमा कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली साहबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु अन्हा आपका यौम विसाल है, तो आज के चंद लम्हात में हज़रत सैयदा मखदूम कायनात मखदूमा कायनात हज़रत फ़ातिमा तु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश करना है। ये बात याद रखें, आले रसूल का ज़िक्र हो या असहाब रसूल का ज़िक्र हो, ये दोनों ज़िक्र गुनाहों को मिटा देते हैं। और जब आले रसूल और असहाब रसूल के ज़िक्र से गुनाह मिट जाते हैं तो फिर हमें ये ज़िक्र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल खोल के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मुस्तफ़ा के सहाबा का भी ज़िक्र करना चाहिए, हुजूर की आल का भी ज़िक्र करना चाहिए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद। ये सूरत हुजूर की हिजरत से पहले नाजिल हुई है और जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं वो मक्की सूरतें हैं। अल्लाह ने फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे मक्का शहर की कसम है। यहाँ अल्लाह पाक ने मक्कातुल मुकर्मा की कसम उठाई है। देखें ये मक्कातुल मुकर्मा जो है ये एक अजीम शहर है। इस मक्कातुल मुकर्मा में बैतुल्ला है, हजर अस्वद है, सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, जमजम का कुआँ है, गारे हीरा है, मैदान अरफात है, गारे सौर है,
लेकिन अल्लाह पाक ने कसम उठाई तो उसकी वजह भी बयान की, अल्लाह पाक ने कसम उठाई तो उसकी रीज़न भी बयान की कि ये बैतुल्ला की वजह से कसम नहीं उठाई गई, ये मकाम इब्राहिम की वजह से कसम नहीं उठाई गई, ये सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की वजह से कसम नहीं उठाई गई, ये जमजम के कुएं की वजह से कसम नहीं उठाई गई, ये मैदान अरफात की वजह से कसम नहीं उठाई गई। अगर इसकी तफसीर मैं करता, आप करते, जैद अमर बकर कोई आलम दीन करता तो किसी ने कहना था बैतुल्ला अल्लाह का घर है इस वजह से कसम उठाई गई, मकाम इब्राहिम है इस वजह से कसम उठाई गई, हजर अस्वद है इस वजह से कसम उठाई गई, जमजम का कुआं है इस वजह से कसम उठाई गई। लेकिन अल्लाह ने तमाम तफसीरों को बंद करने के लिए कुरान में इसकी रीज़न बयान की। अल्लाह ने फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाजल बलद, महबूब मैंने मक्के की कसम इसलिए उठाई है कि मक्कतुल मुकरमा की गलियों ने मुस्तफ़ा के तलवों के बोसे लिए हैं, मक्का पाक की गलियों ने मुस्तफ़ा करीम के तलवों के बोसे लिए हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल क़दर सहाबी एक दिन कहने लगे आका हम आपकी शान क़याम बयान करें, आपके पाँव मुबारक में जो नालाइन मुबारक है इस नालाइन मुबारक की उल्टी साइड पे जो खाक लगती है अल्लाह ने तो उस खाक भी कसम उठाई है इसलिए कि वो खाक मुस्तफ़ा के नालाइन से लगी हुई है। बड़ी तवज्जो तलब बात है, जिस चीज़ को मेरे नबी के नालाइन के साथ निस्बत हो जाए अल्लाह की बारगाह में उस चीज़ का इतना मुकाम है कि अल्लाह उसकी कसमें उठा रहा है। तो जिसके लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर मुस्तफ़ा के नालाइन से लगे हुए खाक की ये शान है कि अल्लाह उस ज़मीन की कसमें उठाता है तो जब नालाइन मुबारक से लगी हुई खाक इतनी आला है और जिसको मुस्तफ़ा ने कहा जो मेरे जिगर का टुकड़ा है फिर उनकी क्या शान होगी। फिर ये समझने वाली बात है कि अगर एक चीज़ नालाइन मुस्तफ़ा से लग जाए तो कायनात में उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, और जिसको मेरे नबी कहें ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, और अगले अल्फाज क्या हैं फमन अगदाबा हा अगदाबा नी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुस्तफ़ा को नाराज़ किया, और जिसने मुस्तफ़ा को नाराज़ किया उसने खुदा को नाराज़ किया, और जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुस्तफ़ा को राज़ी किया, और जिसने मुस्तफ़ा को राज़ी कर लिया उसने खुदा को राज़ी कर लिया। तो आज हम सय्यदा मखदूमा कायनात का जिक्र कर रहे हैं, वो जिनकी शादी हज़रत सय्यदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अनहो से हुई है। बड़ी तवज्जो तलब बात है, कोई देवबंदी हो या अहले हदीस हो या शिया हो या सुन्नी बरेलवी हो, हर किसी का इस बात पे इत्तेफाक है कि ज़मीन का वो टुकड़ा जो इस वक्त मुस्तफ़ा के जिस्म के बोसे ले रहा है, जो मुस्तफ़ा के जिस्म के साथ लगा हुआ है, फरमाया वो बैतुल्ला से भी अफजल है, वो हजर अस्वद से भी अफजल है, वो मकाम इब्राहिम से भी अफजल है, वो मस्जिद अक्सा से भी अफजल है, वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, इसलिए कि उस टुकड़े का ताल्लुक जिसमें मुस्तफ़ा के साथ है। मेरे भाइयों इस पे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ज़मीन का वो टुकड़ा जिसका ताल्लुक है जिसमें मुस्तफ़ा के साथ वो रब के अर्श से भी आला है। तो सोचने वाली बात है ज़मीन का वो हिस्सा जो मुस्तफ़ा के जिस्म से टच है वो अल्लाह के अर्श से आला है, और जिसको मुस्तफ़ा ने कहा जे मेरे जिगर का टुकड़ा है फिर उसकी शान का क्या आलम होगा। फिर बड़ी तवज्जो तलब बात है,
हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका पाक रज़ी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, मैंने ज़िंदगी में एक बार नहीं कई बार देखा कि जब भी सैयदा फातिमा ज़हरा आईं तो मेरे नबी खड़े भी हुए, मेरे नबी ने उनको चूमा भी, मेरे मुस्तफ़ा ने उनको सूंघा भी है। अभी मैं बता चुका हूँ कि ज़मीन का वो टुकड़ा जो मुस्तफ़ा के जिस्म के बोसे लेता है वो रब के अर्श से अफजल है, और जिसके मुस्तफ़ा बोसे लेते हों उसको ज़माना सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहता है। सैयदा मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जिनकी शान इतनी वराउल वरा है, इतनी वराउल वरा है कि मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मैंने तुम्हारा नाम फातिमा इसलिए रखा है जिसके दिल में इस नाम का अदब आ जाएगा हम उसे भी जन्नती बना देंगे। फिर हम कह सकते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा, मिलकर झूम झूम के पढ़ो, आज जनरेटर दे रोले नालो थोड़ी आवाज ज्यादा होवे, सैयदा तैयबा ताहिरा, झूम के पढ़े। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा गया, उस सैयदा मखदूमा कायनात की बारगाह में हम सलामों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पहला। कमर साहब आ दरवाजे बंद कर दो, अभी दे अभी मिल के पढ़ो, सैयदा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पहला। मेरे भाइयों आज बेटियों की तरबियत की ज़रूरत है, जिन हजरात ने अपनी बेटियों की तरबियत की है वो जब अपने घर में शादी के बाद जाती हैं तो उनके बाप को भी सलाम होता है, उनकी वालिदा को भी सलाम होता है, उनके असातिज़ा को भी सलाम होता है। बड़ी काबिले तवज्जो बात है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने कुछ दाने चक्की में डाले हुए गए, चक्की को अपने हाथों से पीसना शुरू किया गया, अपने घर में मौजूद है, अचानक अचानक आवाज आई, मैं मुसीबत में मुबतला हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल होगा। जब सैयदा मखदूमा कायनात के कानों में आवाज आई, आपने देखा तो आपने महसूस किया ये तो मेरी पड़ोसन की आवाज है, आपने चक्की वहीं पे छोड़ दी, दाने वहीं पे छोड़ दिए, खाना वहीं पे छोड़ दिया। सैयदा फातिमा ने चादर ली और पर्दा करके अपनी पड़ोसन के दरवाजे पे आ गई, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा गया कौन है, जुबान हाल से कहा मैं मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, तेरी आवाज़ सुन के आई हूँ। उन्होंने कहा अंदर तशरीफ़ ले जाए। सैयदा मखदूमा कायनात जब अंदर तशरीफ़ लेकर गई, आपने देखा तो औरत तड़प रही है, उसको उस वक़्त बच्चे की पैदाइश की जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ हो रही है। उसने कहा फातिमा ज़हरा तेरी बड़ी शान है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने खुदा को राज़ी कर लिया गया, ऐ फातिमा तुम किसी औरत का इंतज़ाम कर दो ताकि मेरे बच्चे की दाई बन जाए। सैयदा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, सैयदा ने कहा मेरे बाबा ने फरमाया गया खैरुन्नास मन यन्फउन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो होता है जो लोगों को नफा देने वाला होता है। आपने फरमाया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी औरत को तलाश नहीं करूंगी, मैं खुद तेरे बच्चे की दाई बन के यहाँ पे काम करूंगी। ये है सीरत फातिमा ज़हरा
सलामुल्लाह अलैहा, हजरत सैयदा मखदूमा कायनात ने जब दाई बन के काम किया, अल्लाह ने उसके घर बेटा दिया। जब बेटा पैदा हुआ, सैयदा मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा सारे मामलात के बाद जब घर में वापस आई, तो मौला अली शेर खुदा ने कहा, फातिमा वो जिमें अज तेरा चेहरा चमकदा पिया है, इवें तो असी कभी भी चमकदाया नहीं वेख्या है। फरमाया, ऐ प्यारे अली, मेरे बाबा ने कहा था जो किसी की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। आज पड़ोसन के हाँ औरत को तकलीफ हुई थी, मैं उसके बच्चे की दाई बन के आई हूँ, मुझे एक तरफ दोनों जहान के खजाने मिल जाए तो मुझे उन खजानों से इतनी खुशी नहीं है जितना अपनी पड़ोसन की मदद करके फातिमा को खुशी हुई है। अरे इसलिए तो हम कहते हैं, जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार फातिमा, मिलकर पढ़िए, जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार। अच्छा तुसी इंज जुमा सुनते पे जिन तुसा तरावियां पढ़ानियां, अज भाई तुसा नहीं पढ़ानियां, मैं ही पढ़ानियां, तुहाड़ियां दुआवां ना मैं ही पढ़ानियां, लेकिन तुसी मोहब्बत ना पढ़ो तो सही ना। ओ जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार, अजय सारिया नहीं पढ़िया, जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार, ओ मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, मुस्तफा दा चैन ते करार ओ फातिमा, जदों भी आया खड़े हो गए हुजूर, फातिमा जदों भी आया खड़े हो गए हुजूर, इनू कमा ताजीम या प्यार। ये सैयदा फातिमा जहरा की सीरत है। अब देखें ना, उनका स्टेटस देखें, उनकी अजमत देखें, उनकी शान देखें। आज किसी को कहा जाए यार ये काम कर दे, तो वो कहता मेरा स्टेटस ही नहीं है, मैं काम करूं। लेकिन सुनो ए, मेरे मुस्तफ़ा की लाडली की सीरत सुनो। आपने अपने हमसाए को परेशान नहीं होने दिया, आपने उनकी ऐसी दिल जोई की कि कयामत तक लोग आते रहेंगे, सैयदा पाक की सीरत पढ़ते रहेंगे, अपने दिल को सैयदा पाक की सीरत से ठंडा करते रहेंगे। बड़ी तवज्जो तलब बात है, कौन सैयदा फातिमा जहरा, याद रखें, जो लोग बेटियों वाले हैं अपनी बेटियों की तरबियत करके भेजा करें। मेरे नबी ने कैसी तरबियत की है, सैयदा पाक के दरवाजे पे दस्तक हुई है, दस्तक एक बुढ़िया औरत ने दी है, सैयदा ने खुद दरवाज़ा खोला गया, बुढ़िया औरत अंदर आ गई है, उसने आकर एक जुमला बोला गया, फातिमा पूरे मदीने में मुझे किसी तरफ से खाना नहीं मिला, फातिमा तीन दिन हो गए हैं, ना मैंने खाना खाया गया, ना मेरे बच्चों ने खाना खाया गया। सैयदा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, फरमाया, अम्मा जी तूने तीन दिन हो गए हैं नहीं खाया गया, मैं मुस्तफ़ा की साहबजादी हूँ, हमने सात दिन हो गए हैं रोटी की शक्ल भी नहीं देखी है, हमारे बच्चों ने भी खाना नहीं खाया गया, हमारी औलाद ने खाना नहीं खाया गया, चूल्हे पे हंडिया भी नहीं रखी गई है, लेकिन आज चंद जौ आए हैं, आज कुछ दाने आए हैं, अम्मा तू बैठ जा, तू पूरे मदीने से खाली जा सकती है, लेकिन तू फातिमा के दरवाजे से खाली नहीं जा सकती है। हजरत सैयदा मखदूमा कायनात ने उसको बिठाया, अपने हाथों से आटा गूंदा, आटा गूंद के रोटियां पकाई,
चंद रोटियां रख ली, कुछ रोटियां उसको दे दी। अगले जुमले समाज फरमाए, मैं जुमे से पहले तैयारी कर रहा था, इस बात को पढ़ के कितनी देर आंखें नम रही हैं, कुर्बान जाऊं मेरे नबी की साहबजादी की शान के आगे। चंद रोटियां अम्मा को दी, चंद खुद रख ली, और पता क्या कहा, कहा मौला अली मजदूरी पे गए हैं, मैंने चंद रोटियां उनके लिए रखी हैं। ऐ अम्मा जब मौला अली आ जाएंगे तो वो मुझे मजदूरी में मेरा हिस्सा भी देंगे। अम्मा भी तेरी झोली पूरी तरह नहीं भरी गई है, शाम को फिर आ जाना, जो मेरा हिस्सा होगा मैं वो भी तेरी झोली में खैरात कर दूंगी। सैयदा तैयबा है, जिमें मेरा मन ठंडा होना सी ना, इवें अजे तुसा नहीं पढ़िया, तो जमात अपने टाइम से ही होनी है, तो तुसी जिन्ना चिर बैठे सैयदा पाक का जिक्र तो करो ना मन ठंडा होवे। तो हुण मैं ये भी नहीं कह सकता किसी नूं रोज़ा लगा होया है, अल्लाह ने मौसम ही एडा ठंडा किया होया। मिल के पढ़ो सैयदा तैयबा हेरा, अजे अजे सारे नहीं पढ़िया, मिल के अंदर पान वाले सारे पढ़ो सैयदा तैयबा हेरा, जान अहमद की राहत बेला। हुण मैं चुप करना है, तुसा पढ़ना है मुस्तफा मिलके शमाए बहज में है दायत बेला। एक मर्तबा मौला अली ने कुछ जुमले ऐसे कह दिए, फातिमा जहरा ने आगे से जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन सैयदा नाराज़ होके चली गई। मौला अली के दिल में आ गया, मेरे नबी ने फरमाया जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ कर दिया गया। सैयदा हुजूर की बारगाह में आ गई, जब आकर बताया बाबा आज मौला अली ने मुझे ये जुमले कह दिए हैं, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुमले समात किए और सुना मेरे नबी की तरबियत का क्या आलम है। ये नहीं फरमाया फातिमा तू बैठ, मैं अबू बकर उमर उस्मान को भेजता हूँ, अली को बुला कर लाते हैं, अली होता कौन है मेरी बेटी को, ऐसे जुमले कहने वाला ये नहीं आखिया। मेरे नबी ने फातिमा को सामने बुठाया, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा सबसे बेहतरीन औरत वो होती है जो अपने शौहर की फरमा बरदार होती है। फातिमा सबसे बेहतरीन वही औरत है जो अपने शौहर के कहने पे चलती है। अगले जुमले समाज फरमाए, मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में कोई घर भी ऐसा नहीं है जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान कोई ना कोई बात ना होती हो। फातिमा ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन सुनो तुम ये बात सुन के मेरे पास आ गई हो, अगर तुम इस हाल में फौत हो गई मैं मुहम्मद अरबी कभी तेरा जनाजा पढ़ने नहीं आऊँगा, जाओ तुम अपने घर मौला अली को जाकर राज़ी करो। हज़रत सैयदना मौला अली शेरे खुदा हज़रत फातिमा के पीछे चल के आए थे, आप दरवाजे के पीछे कान लगा के सुन रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, दिल बड़ा रंजीदा हुआ। सैयदा फातिमा जहरा जब घर में दाखिल हुई, फातिमा ने कहा अली मुझे माफ़ कर देना। अब ये जुमले थे तो मौला अली ने कहा फातिमा मुझे माफ़ कर देना, आइंदा मैं कोशिश करूंगा तुझे नाराज ना किया जाए, कुर्बान जाऊं मेरे नबी ने तरबियत ऐसी की है। फातिमा गलती भी मेरी है लेकिन मेरे आका ने मुझे कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम्हें समझा के बताया गया। ओ सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मन सब जुदा गया, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मन सब
वो इमाम सफे अंबिया उनका रुतबा बड़ों से। अजय आवाज नहीं आई, मिलकर झूम झूम के पढ़ो। वो इमाम सफे अंबिया है उनका रुतबा बड़ों से। ये शान है सैयदा मखदूमा कायनात की। उसके बाद हज़रत फातिमा फरमाती हैं, कभी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी कोई बात नहीं हुई, कभी मेरी तरफ से भी कोई बात नहीं हुई, हत्ता के नौ नौ दिन तेरह तेरह दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था, खुद भी पानी पी लेती थी, बच्चों को भी पानी पिला दिया करती थी। है इस तरह की सीरत। आज हम अपनी बेटियों को तरह तरह की बातें तो बताते हैं, मोबाइल लेकर दिए हुए हैं तो उन्हें बताएं कि सैयदा मखदूमा कायनात की सीरत की कोई किताब डाउनलोड करें, उसका मुतालिया करें कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हुजूर घर में आए तो आप आटा गूंद रही थी, आपकी पेशानी पे पसीने के कतरे थे, जिस्म पे टाट का लिबास था। सैयदा ने मुस्तफ़ा को देखा तो खड़ी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा, अर्ज किया जी बाबा, हाथ पकड़ा हुजूर के हाथ को चूमा, ये तरीका था आपका, सरकार ने उनकी पेशानी को चूमा। फरमाया, फातिमा तेरे दिल में ख्याल आता होगा कि मेरे बाबा ने किस गरीब के साथ मेरी शादी कर दी है। सर झुका लिया। फिर मेरे नबी ने जो जुमला दिया, क्या खूबसूरत जुमला था, फरमाया मेरे पूरे खानदान में अल्लाह ने दो बंदों को सबसे अफजल बनाया है, फातिमा एक को तेरा बाप बना दिया है, दूसरे को तेरा शौहर बना दिया। ये सैयदा मखदूमा का नाम सलामुल्लाह अलैहा के नाम। सारी जिंदगी शौहर को राजी किया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में किसी ने मौला अली शेर खुदा से पूछा था कि आपने फातिमा को कैसा पाया है। फरमाया, खुदा की कसम, फातिमा ने कभी भी मुझसे डिमांड नहीं की है, तीन तीन दिन रोटी नहीं मिली है तो कभी पूछा नहीं था, सात सात दिन रोटी नहीं मिली है तो कभी पूछा नहीं था, ईद का लिबास सोना था तो कभी पूछा नहीं था, बच्चों के लिबास की बात आती थी तो कभी पूछा नहीं था। जब बच्चे आकर कहते थे, अम्मी सुबह जब लोग मदीने में निकलेंगे तो उनके जिस्म पे नए नए लिबास होंगे और फातिमा के शहजादों के जिस्म पे लिबास नहीं होगा, तो उस वक्त भी फातिमा ने मुझे नहीं कहा था, मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में अर्ज की, मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी। फिर सजदा भी ऐसा हुआ था कि दरवाजे पे जिब्रील अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक़्त खड़े थे और जोड़े सिले हुए थे, कहा अहले बैत का दर्जी हूँ, ये जोड़े कबूल फरमाए। जब मुस्तफा के सामने दोनों शहजादे सूट पहन के आए तो मेरे नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन अपनी अम्मी को सलाम करो। और मदीने के तमाम लोगों के जिस्मों पे मार्केट की दुकानों के लिबास हैं, तुम्हारे जिस्मों पे अल्लाह ने जन्नत से लिबास भेजे हैं। शान है फातिमा तो ज़हरा। फिर कबो न प्यार न सैयदा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पहला। एक बारी जोर ना मिल के बड़ो, जान अहमद की राहत पहला। जितने आप बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मैं एक हदीस पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो से समाज फरमाएं। मेरा दिल ये कहता है आपको तारी तक ये हदीस लज्जत देती रहेगी। आज मुझे भी पहली बार पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, यूट्यूब पे मेरे छठा ये बयान है सैयदा ज़हरा पाक पे, और छठे के छठे बयान के अलहदा मुनफरद अंदाज है। आज पहली मरतबा ये हदीस लिख कर लाया हूँ, तवज्जो से सुनेंगे, दिल
दिल बाग बाग हो जाएगा। और जो बेटियों वाले बैठे हैं उनको तो ये बात कहने की ज़रूरत नहीं, खुदा की कसम बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने बाप से प्यार करती हैं। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, अर्ज़ किया जी लजपाल है, फरमाया बिलाल आज मस्जिद नबवी में मिंबर लगा दो, अर्ज़ किया आका लगा दिया, फरमाया आज ऐलान करो और लोगों तुम्हें मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा ने बुलाया गया। हज़रत बिलाल हबशी गए मदीने की गलियों में ऐलान किया, ओ मदीने वालों तुम्हें मेरे नबी ने बुलाया गया, आ जाओ। बस बिलाल की आवाज़ कानों में पड़ने की देर थी, हर किसी ने अपना काम छोड़ा, मस्जिद नबवी में आ गया। मेरे नबी मिंबर पे खड़े हुए, कभी खुतबा होता है तो कुरान की शान में, कभी खुतबा होता है तो माँ की शान में, कभी खुतबा होता है तो बाप की शान में, कभी मुस्तफ़ा अपने फजाइल पे खुतबा देते हैं। लेकिन आज टॉपिक क्या गया, आज मेरे नबी फरमाने लगे हैं ओ मदीने वालों तुम जमा हो गए हो, आका हम जमा हो गए हैं। फरमाया किसी को अगर मैंने दुख दिया हो तो मैं उसे अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ वो आज अपने दुख का बदला ले ले। किसी को मैंने तकलीफ दी हो तो वो आज अपनी तकलीफ का बदला ले ले। जब एक मरतबा मेरे नबी ने कसम डाली तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, वो सियाबा जो हुजूर का थूक जमीन पे नहीं गिरने देते थे वो मुस्तफा से कहाँ पे बदले लेंगे। जब मेरे नबी ने दूसरी बार कसम डाली, हजरत आकाशा के जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, आका हम कौन होते हैं बदला लेने के लिए, लेकिन आपने कसम डाली है, हम उस कसम के बदले में आपसे बात करने लगे हैं। आका एक जंग में मैं भी गया था, आप भी गए थे। आका जब हम जंग जीत के वापसी आ रहे थे, एक जगह पे आपके पांव मुबारक की सफेदी को मैंने देखा। आका मैं अपनी सवारी से नीचे उतरा, आका जब मैं नीचे उतरा तो मेरा कमीज मेरे पेट से ऊपर हो गया। मेरी दिल में आरजू थी मैं आज मुस्तफ़ा के कदमों को बोछा दे लूँ। आका खुदा की कसम है मेरी यही आरजू थी। आपने उस वक़्त मेरे पेट पे एक डंडा लगाया था, आका मैंने आज उस डंडे का बदला लेना है। हजरत फारूक आजम ने देखा हजरत आकाशा की तरफ, जिसम पे कप कपी तारी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया किसी से अभी को खड़े होने की इजाज़त नहीं है। और सुनो सुनो सैयदा मखदूमा कायनात की शान सुनो, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, अर्ज किया जी मदीने के चांद, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जाओ मेरी फातिमा के घर जाओ, उसे कहना एक खजूर की शाख उतार के दो। सैयदा को कहना एक खजूर की शाख उतार के दो। सैयदा फातिमा के दरवाजे पे बिलाल पाक आए, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा ने पूछा कौन है, कहाँ मुस्तफ़ा का मुअज्जिन हूँ, किस लिए आए हो। हुजूर ने कहा फातिमा को कहो ज़रा अपने दरख्त की एक शाख तो उतार के दो। सैयदा ने कहा हज का मौसम भी नहीं है, किसी जंग में भी नहीं जाना है, मेरे बाबा ने छड़ी क्यों मंगवाई है। हजरत बिलाल ने कहा मेरे नबी ने अपने विसाल की खबर दे दी है। फातिमा को जब यह इलम हुआ कि मेरे बाबा ने अपने विशाल की खबर दी है, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। फरमाया बिलाल फिर बताओ छड़ी क्यों मंगाई है। कहा इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जिस जिसने मुझसे किसी दुख का बदला लेना हो वो आज बदला ले सकता है। हजरत आकाशा खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपने मुझे डंडा लगाया गया, मेरे नबी ने तेरे घर में भेजा गया। हजरत फातिमा ने पहले हसन को बाहर किया, फिर इमाम हुसैन को बाहर किया। फरमाया बिलाल मेरे बाबा का हुक्म है, छड़ी तो तुम्हें दूंगी, लेकिन आकाशा को कहना मेरे बाबा के जिस्म पे छड़ी ना लगाना, मेरा हसन भी कुर्बान होने को तैयार है, मेरा हुसैन भी कुर्बान होने को तैयार है। ये शान है, मैं देख रहा हूँ कई आंखें आंसुओं से तर हो रही हैं, यह मेरा कोई कमाल नहीं है, सैयदा फातिमा का जिक्र यह सागा। सैयदा मखदूमा कायनात ने हसन और हुसैन के कान में कहा आकाशा को नाना अबू को छड़ी ना लगाने देना, आकाशा को कहना
मेरी अम्मी ने कहा था हमारे जिस्म हाजिर है, एक छड़ी नहीं तुम कितनी छड़ियां लगा लो। हजरत फातिमा ने खजूर की टहनी उतारी, खजूर की टहनी को साफ किया, वो थोड़े थोड़े जो चुंजोते हैं उनको नुकीले चुंजों को साफ किया। हजरत फातिमा जहरा को पता था मेरे बाबा से बढ़ के कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं है। सज्जदा ने वो छड़ी हजरत बिलाल को पकड़ाई, कहा बिलाल छड़ी पकड़ाने से पहले मेरे हसन और हुसैन को ग्राउंड में खड़ा कर देना, इसलिए कि ये फातिमा के शहजादे हैं, ये अपने नाने पे कुर्बान होने को तैयार हैं। मेरे भाइयों जब ये हजरत बिलाल इनको लेकर चले, इधर मस्जिद नबवी है, हजरत आकाशा खड़े हैं, सारे सहाबा का झुरमुट मौजूद है। हजरत आकाशा ने जब खजूर की शाख को पकड़ा, अब हजरत अबू बकर से रहा ना गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आकाशा मेरे जिस्म पे हजार छड़ियां लगा लेना, लेकिन मेरे नबी से बदला ना लेना। फारूक आजम ने यही जुमले कहे, उस्मान गनी जुन्नुरैन ने यही जुमले कहे, मेरे नबी ने तीनों को बिठा दिया। मौला अली खड़े हो गए, मौला अली खड़े हो गए, अर्ज किया आकाशा मुझे पता है तुमने बदला लेना क्या, लेकिन छड़ी मेरे आका पे ना चलाना, अली के जिस्म पे चला ले। और मुस्तफा ने फरमाया अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया में भी मेरा भाई है, आखरत में भी मेरा भाई है। हजरत मौला अली ने वाला हजरत मौला अली ने जब इतनी बात की, बात खत्म हुई, मेरे नबी ने कहा अली तुम बैठ जाओ, मसला मेरा और आकाशा का है, खुदा की कसम तुझे रोजे की हालत में लज्जत देने जा रहा हूँ। जब मौला अली ने बात खत्म की तो एक की उम्र 6 साल का और दूसरे की उम्र 7 साल है। इमाम हसन और हुसैन सामने आ गए और सामने आकर कहा आकाशा हमारे नाना को छड़ी ना लगाना, इसलिए कि हमारी माँ ने दूध पिलाया है तो कुरान पढ़ के पिलाया गया, रोटी पकाई है तो कुरान पढ़ के पकाई है, सालन पकाया है तो कुरान पढ़ के पकाया गया, लोरियां दी हैं तो कुरान पढ़ के दी है। मेरी माँ ने मेरे कानों में कहा था पुत्र है जान जाती है तो चली जाए, लेकिन नाना का जिस्म पे छड़ी ना लगने पाए। यह सैयदा फातिमा जहरा का अपने बाबा से प्यार था, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया गया। मेरे नबी ने पता हसन और हुसैन को सीने से लगाया, हसन को चूम कर कहा हसन तू भी मेरी आँखों की ठंडक है, हुसैन को चूम कर कहा तू भी मेरी आँखों की ठंडक है। ऐ तुहानू मुहर्रम दे विच नजर आ रहा हुंदा जी, सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन, लेकिन मेरे नबी ने हसन नू भी चूमिया तो हुसैन नू भी चूमिया। तुहाड़ी चुप ते सुभान अल्लाह, जिन्हां जिन्हां नू रोज़ा नहीं लगा ओह जना भरपूर तरीके नाल आखो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया सी और मैनू इब्राहिम अलैहि सलाम ने आख्या सी आका तेरा कोई एक उम्मती सुभान अल्लाह आखेगा सी जन्नत एक दरख्त लगावांगे। तवज्जो तलब बात है, मेरे नबी ने हसन नू भी चूमिया ते हुसैन नू भी चूमिया। फरमाया बेटा तुम बैठ जाओ, ये मेरी और आकाशा की बात है। अर्ज किया लजपाल अब मस्जिद नबवी में कोई बोलेगा नहीं। फरमाया आकाशा कोई नहीं बोलेगा, तू अपना बदला ले ले। आका जब आपने मुझे छड़ी लगाई थी मेरे पेट से कपड़ा हटा हुआ था, आका आप जरा अपना कपड़ा हटाए और जिनके चेहरे की रंगत इतनी होती थी उनके पेट की सफेदी का क्या आलम होगा। जब मेरे नबी ने कपड़ा हटाया हजरत आकाशा की चीखें निकल गई, छड़ी को फेंक के दौड़ के मुस्तफा के पेट को चूमना शुरू कर दिया। हसना हुसैन को गोद में लेकर कहा अपनी अम्मी को कहना मैं कौन होता हूँ रसूलुल्लाह से बदला लेने वाला, अपनी अम्मी को कहना मेरे लिए बस दुआ कर देना। मेरे नबी के पेट मुबारक को चूमते रहे, मुसलसल चूमते रहे, मुसलसल चूमते रहे। अच्छा आकाशा ने कमाल की थी तो मुस्तफा ने भी कमाल कर,
फरमाया मेरे सहाबा अर्ज किया जी नजबाल, फरमाया जिसने जन्नत में मेरा पड़ोसी देखना हो मेरे आकाशा को देख ले, और चमक तुझसे पार सारे बनो सारे बनो, चमक तुझसे मेरा दिल भी चमका दे, चमक मेरा दिल भी चमका दे, चम रहे पढ़ो 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 मिल के पढ़ो, रहे उनका पड़े खाक हो जाए जल। रमजान का पहला जुमा है, एवें हाथ करके कहोगे ना रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूँ मदीना में मुस्तफा राजी होंगे, रहेगा जो ही उनका पढ़ो पढ़ो बाहर वाले पढ़ो, रहेगा जो ही उनका चर्चा। हूँ हाथ इंज करना, पड़े खाक हो जाए जल और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, मेरा दिल भी चमका दे। हजरात अपनी बेटियों की तरबियत करें, फकत शादी के मौका पे कुरान का छाया ऊपर देकर सिर्फ रुखसत ना कर दिया करें, जब वो घर में रहती हैं तो उनको कुरान पढ़ाया करें, उनको कुरान पढ़ाया करें। और मैं आपको दावे से ये कहता हूं कि तुम अपनी बेटियों को दीन पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ, एक वक्त आएगा शायद तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए दुआ करना छोड़ दें, लेकिन बेटियां कभी नहीं छोड़ेंगी, वो दुआ करती रहेंगी। वो कौन सज्जदा सर्दियों की लंबी रात 7 बजे इशा का वक़्त होता था और उस वक़्त मुसल्ला बिछा के तहज्जुद का वक़्त 6 बजे फजर की अजान के वक़्त कहती थी, मौला तेरी रात ही इतनी छोटी है मेरा रुकू भी मुकम्मल नहीं होया। और आज ये कल हमने नमाज तरावी पढ़ाई है, ये आखिरी सब से अगली सब तक नमाज इशा में लोग थे, फिर मैं तो हूँ अगे खलोता अगे नू ही मूँह करना वा, जो मैं सलाम पे रहा तो 20 तरावी पिछे 3 सफ़ा से। और कुछ लोगों के जहन में है कि अगर तरावी छोड़ दें तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, सोने मसला, तरावी सुन्नत मौकदा है। मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में कभी भी तरावी की नमाज को नहीं छोड़ा है, मेरे मुस्तफ़ा ने कभी भी नहीं छोड़ा है, और जानबूझ के छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार है। लेकिन हम हमारे पास से नहीं गुजरता, हम जब किसी का बयान सुनते हैं ठीक है दिल बड़ा बाग बाग होता है, आंखें बड़ी नम होती हैं, अमल किसने करना है। फातिमा जहरा पाक हुजूर की बारगाह में आई, इधर से सहाबा आ गए, अर्ज किया आका ये सूरज बिल्कुल दरमियान में था, 1 सेकेंड लगा है तो सूरज डूब गया है, आका कयामत नहीं आ गई। फरमाया नहीं कयामत नहीं आई, मेरी बेटी के दुपट्टे से एक बाल बाहर आया था, सूरज हया के मारे डूब गया था। और आज दुपट्टे में बाल आते ही नहीं है, उधर एक बाहर हुआ था इधर आते ही नहीं है। वो बाप वो भाई उनकी गैरत शादी के मौकों पे मर जाती है,
कि जब उनकी जवान बहन और जवान बेटियां फूलों की प्लेटें खड़ी करके आने वाले मर्दों को फूल बखेर के इस्तकबाल कर रही होती हैं, ये फातिमा जहरा की सीरत नहीं है। मौला अली फातिमा तो जहरा की बारात लेकर आए थे निकाह के लिए, तो इस्तकबाल मेरे मुस्तफ़ा ने किया था। हजरत फातिमा की पहले भी तीन बहनें थीं, लेकिन किसी बहन ने फूल पकड़ के इस्तकबाल नहीं किया था, इस्तकबाल मेरे मुस्तफ़ा ने किया था। आज इधर अगर किसी को बताया जाए तो उन्होंने कहना तू अपना हाजन पुणा अपने कोल रख। मैं कहता हूँ अक्सर देखे मेरे नबी को खुशी आई तो दो नफल पड़े, मेरे नबी को गमी आई तो दो नफल पड़े, और सानू कोई गमी आ जाए तो अस कहने कारी साहब अस्सलाम वालेकुम ऐ जरा परेशानी आ गई, माड़ी मोटी पढ़ाई करा दो, ऐ लफज होंगे आ माड़ी मोटी देना पढ़ाई करा दो तो खुशी हो तो महल्ले का भी सुकून बर्दा बर्बाद है। खुशी तो वक्त जो तक रज के रब न नाराज नहीं करना तो शैतान नू राजी नहीं करना, साड़ी मेहंदी तो शादियाँ उदों तक होंदिया ही नहीं। लेकिन फातिमा जहरा की मौला अली से शादी हुई है, ना कोई खुसरा बुलाया गया, ना कोई कंजर बुलाए गए, ना कोई ढोलकी रखी गई। कुर्बान जाऊं मेरे नबी ने जब निकाह पढ़ाया तो फरमाया अली तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा निकाह जमीन पे मैंने किया है, आसमान पे अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर कर। लेकिन हमारा हाल ही कुछ अलग होता जा रहा है, कम अज कम हमें इन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उनकी शान सुन के मन ठंडा हो वाकई ईमान की अलामत है। लेकिन बात तब है जब अमल होगा, जब एक ऐलान सुन लें तवज्जो से ज़रा। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने मदरसा है, इस मदरसे में मेरे ख्याल से 350-400 तालबात पढ़ती हैं, हिफ्ज़ तर्जमा अलहदा कोर्सेज दरस निज़ामी की क्लासेस, किसी बच्ची से कोई फीस नहीं ली जाती। आज तो प्ले ग्रुप में दाखिल करवाए ना तो पैंपरों के पैसे भी देने पड़ते हैं, ये हालात हो गए हैं। लेकिन इतनी महंगाई के दौर में मदरसे में कोई रुपया नहीं लिया जाता। आप हजरात जब अपने माल की ज़कात अदा करने लगे तो अपने इलाके के इस जामिया को याद रखें। हजरत आप किधर रहते हैं जी? मैं हाजियाबाद में रहता हूँ। ज़कात किधर की? मैंने जी अपने पीरों की तरफ लाहौर भेज दिया, तो बच्चे भी रोजाना लाहौर भेज पढ़ने के लिए, पीर सिर्फ खाने के लिए रखे, पीरों के पास बच्चे भेजे लाहौर पढ़ाने के लिए। सुने तवज्जो तलब बात है, जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अपने पैसों से ये ज़कात दे ताकि ये मदरसे चलते रहें। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने एक घंटा आपको खिताब सुनाया है, मेरी ये डायरियाँ दोनों फुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अलहदा अलहदा खिताबात पे। मैं कोई गरूर नहीं, मैं तो एक नाचीज़ सा इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ। मैंने अपने मदरसे में पहले साल से लेकर 10वें साल तक दरस निज़ामी किया, मैंने मैट्रिक वहाँ पर किया, मैंने एफ ए वहाँ पर किया, मैंने फाजिल अरबी का कोर्स अरबी लैंग्वेज वहाँ पर किया, मैंने बी ए वहाँ पर किया, मैंने एम ए इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से उन असातिज़ा की मदद से किया। खुदा की कसम एक रुपया भी अपने मदरसे में फीस नहीं दी। आज अगर मिंबर पे बैठा हूँ तो एक मोहल्ले को गाइड कर रहा हूँ कि नहीं, एक मुसल्ले से आपको फैज पहुँच रहा है कि नहीं। तो कम अज कम आप अपने पैसे 20,000 ज़कात बनी है तो 20,000 एक खाते में ना डालें, उसको डिवाइड करें, डिवाइड करके 5 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4। देखे ना हाजी साहब मेरे पास आए, इन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया, कहने लगे जी 5,000 आपके मदरसे के लिए, 5,000 ये जो सामने मदरा है मदरसा इसके लिए, 10,000 रुपया हैदराबाद मदरसे में देकर आए। अब अगर इनको मैं ही कह देता जी ए तुम 20,000 मैनू दे दो तो जो मेरी ना इंसाफी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया में या हमारे मोहल्ले की बच्चियाँ वहाँ से पढ़ कर आई हैं, और जो जो बच्चियाँ एक बार पढ़ गई हैं फिर कोई उनसे बहस तो करे मेरे नबी के नूर के बारे में, मेरे नबी की ज़िंदगी के बारे में बहस तो करे, तो कुरान और हदीस की सूरत में जवाब दूंगा। हिफ्ज़ नाज़रा तर्जमा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी दुआओं से गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ अपना मदरसा इल्हाक करवा के दरस-ए-निज़ामी की इस मरतबा 7 बच्चियों ने पेपर दिए हैं,
और ये वो सनद है जो डबल एम ए के बराबर है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसको पास किया है तंजीमुल मदारिस की। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, जब ज़कात देने लगें तो अपने इलाके के इन मदारिस को याद रखें, ये आपकी बहारों से ही ये फूलों में ताजगी आती है। माशाल्लाह जुतियां दे लोग खड़े ने तो उत्ते भी इंतजाम है पूरी छत दे, ठीक है। तो हूँ गल एक मैं करन लगा वा, तो प्यास मैनू भी काफ़ी लगी है लेकिन रोज़ा वा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सब को सबर अदा फरमाए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता रोज़ा मेरे लिए, इसका अजर भी मैं ही देना है। इसका अजर वादे नहीं किया अजर अल्लाह ने। हमारी ये जो पिछले साल तामीर शुरू थी तो आज दोबारा फिर ये फैसला